में, और आज हम केवल एक ही विटामिन के बारे में बात करेंगे, विटामिन ए। आज हम केवल विटामिन ए पर चर्चा करने वाले हैं। विटामिन ए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि विटामिन्स जो हैं इनका काम क्या है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं ये, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो फैट सोल्यूबल जैसे आपका ए डी ई के। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं इनको स्टोर किया जा सकता है, और कहाँ पर? लिवर में इनको स्टोर कर सकते हैं हम। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर में, यकृत में, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका अगर एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर तो दे कैन हार्म, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आपके वाटर सोल्यूबल जैसे आपका बी और सी, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। और अगर ये स्टोर करने एडी के तो कहाँ पर होते हैं? लिवर में, इतना ध्यान रखोगे। तो आज हम विटामिन ए के बारे में बात करने वाले हैं, तो जिसका केमिकल नेम है रेटिनोल। और आपसे पूछने लगी कि विटामिन ए को कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो लिवर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो विटामिन ए है ये सिंथेसाइज होता है, संश्लेषण होता है इसका कहां से? तो बीटा कैरोटीन से। इसलिए बीटा कैरोटीन से होता है, तो आपका जो अभी चर्चा में चल रहा है गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, अगर आपसे बोलता है कि गोल्डन राइस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो याद रखना विटामिन ए। अभी जो गोल्डन राइस, जो ये आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस है उसमें सबसे अधिक बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन को सिंथेसाइज करके ही विटामिन ए बनता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, विटामिन ए का मेन सोर्सेज क्या क्या है? मेन सोर्सेज आपका कैरेट, गाजर, यहां पर आप मैंगो कर सकते हो, आम, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका, तो कैरेट, गाजर आपका, मैंगो, आम, उसके अलावा आप यहां पर मेनली ले सकते हो पपीता, पपाया। तो ये बीटा मतलब विटामिन ए के मेन सोर्सेज हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके मतलब कार्य क्या है, ये मतलब हेल्प किस में करता है। तो ये हेल्प करता है एक तो आपके एंटी इन्फेक्शन होता है, ये मतलब ये इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होने देता और ये झुर्रियां नहीं पड़ने देता। जो झुर्रियां हैं नहीं पढ़ने देता, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिसीज कौन सी है जो विटामिन ए से रिलेटेड है? डिसीज, बीमारियां। चलिए थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जो हमारी आई है, ये हमारी आंख है, मान लीजिए यहां पर ये वाला पार्ट होता है कॉर्निया, और आप लोग जानते हैं कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। यहां पर ये लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होता है। इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होता है। अब जब रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो यहां पर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, रोडोप्सिन सेल और कोडोप्सिन सेल। जो रोडोप्सिन सेल्स हैं, ये याद रखोगे आप लोग
ये डिम लाइट में आपको देखने को मदद करती हैं। तो डिम लाइट में देखने में मदद करती हैं रोडोप्सिन सेल्स, और जो रोडोप्सिन सेल्स हैं इनको बनाने में ही विटामिन ए उत्तरदायी है। डेट्स वाई अगर विटामिन ए आपके शरीर में, अगर विटामिन ए शरीर में कम हो जाता है तो रोडोप्सिन सेल्स नहीं बन पाती और बीमारी होती है। डिम लाइट में आप नहीं देख पाते, अतः आप अंधेरे में नहीं देख पाते या कम रोशनी में आप लोग नहीं देख पाते, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जिसे आप लोग रतौंधी बोलते हो। जो कोडोप्सिन सेल्स हैं ये कलर या हम कह सकते हैं रंगों की पहचान करने में मदद करती हैं, इसलिए ये किसी विटामिन की या विटामिन की कमी से नहीं होती, इट्स अ हम कह सकते हैं ये अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज है। तो अगर रंगों की पहचान नहीं हो पाती, जिसे आप लोग क्या बोलते हो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। तो मैंने आपको एक बिल्कुल सीधे तरीके से बताया कि रेटिना में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज कॉर्निया आपका जो बाहर वाला कवर है, मतलब कवर है आपकी आंख का, जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि ट्रांसप्लांट में आई का कौन सा पार्ट जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया। लेंस, लेंस आपका कॉन्वेक्स होता है, ये जो इमेज फॉर्मेशन करता है। रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन रेटिना पर दो प्रकार की सेल्स होती है, रोडोप्सिन और कोडोप्सिन। रोडोप्सिन से ही आपको डिम लाइट में दिखाई पड़ता है, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रोडोप्सिन सेल नहीं बन पाती, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। लेकिन कोडोप्सिन आपको रंगों की पहचान करने में मदद करती है, लेकिन ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होती, ये अनुवांशिक बीमारी है। तो एक तो आपकी हो जाती है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नाइट ब्लाइंडनेस, और एक डिसीज और याद रखना आप लोग, 0 थैलमिया, जिसको आप ड्राई आई भी बोलते हो या सूखी आंख। अगर विटामिन ए कम हो जाता है तो क्या होता है, यहां पर जो कॉर्निया है वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, और नॉन ट्रांसपेरेंट होने से उससे साफ दिखाई नहीं पड़ता। तो यही है विटामिन ए, जिससे रिलेटेड दो डिसीज है, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, एक ज़ीरोथैल्मिया, ये आपको ध्यान रखनी है। और गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, बिकॉज रोडोप्सिन सेल विटामिन ए के कारण ही निर्मित होती है, और विटामिन ए स्टोर होता है कहां पर, आपको पता होना चाहिए लिवर में, बिकॉज इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन, और इसे हम स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।